गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम उमरे इदरीस, योर केमिस्ट्री टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस. एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड course studies of playgroup 2 class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, class 9th. Students, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. क्लास 9th एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको मैंने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कराए थे, और लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. स्टूडेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एटम्स की जो सबसे पहले बात की थी, एटम्स के बारे में जो सबसे पहले डिफाइन कुछ किया था वो डाल्टन्स ने किया था. उसके बारे में जो बात करना शुरू हुई थी इन्हीं की थ्योरी के बाद, एटम्स के बारे में बात करना शुरू हुई. तो चलिए पढ़ते हैं आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्लास. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी. आगे चलकर लेकिन ये थ्योरी वर्क नहीं करा, ये फेल हो गई. तो पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा था. स्टूडेंट्स, ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि एटम्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है एटम, ठीक है. जो जितना भी मैटर होता है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, आप सब लोग जानते हैं वो किसका बना हुआ है बच्चों, वो एक टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है. जो टाइनी पार्टिकल्स है वो क्या है, वो है एटम है. वही एक जो बहुत छोटा सा पार्टिकल है मैटर के अंदर, वो क्या है, एटम है. तो डाल्टन्स ने यही कहा था कि जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है. इन्होंने एक चीज और कही थी कि एटम जो है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो अपना दिया था वो दिया था कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि एटम के भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. जब हम एटम के ही तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, हम डाल्टन इतना छोटा पार्टिकल्स है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. और स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा था कि हम एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. क्या आप उसको नॉट बी क्रिएटेड, ना क्रिएट कर सकते हैं और नॉट बी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस में स्टूडेंट्स, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है. अगर आप केमिकल रिएक्शन में ए प्लस बी ले रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है आपका ए बी मिल रहा है. ऐसा नहीं होगा कि जो आपका रिएक्टेंट साइड ए था वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो आपका क्या हो, वो ए आपका क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए. ऐसा नहीं होता. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो और ना तो आपका डिस्ट्रॉय होता है और ना ही कोई ऐसा न्यू एटम बनता है. नेक्स्ट, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि स्टूडेंट, जैसे ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है. अब ये क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स और इस वाले हाइड्रोजन के एटम, क्योंकि ये दो अलग अलग जगह हाइड्रोजन लिए मैंने, लेकिन जो इस हाइड्रोजन का मास होगा, जो इस हाइड्रोजन का मास होगा वो इन दोनों का मासेस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों एटम्स की क्या होंगी, सेम होगी. तो कहने का मतलब ये है, टू अगर सेम एलिमेंट्स है उनके अंदर जो एटम्स है, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उनके मासेस क्या होंगे, सेम होंगे. लेकिन आपको पता ही है आइसोटोप्स, आइसोबार्स भी हमने पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे आगे. तो और इन्होंने क्या एक और बात बोली थी इन्होंने कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. यही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराऊंगी. थैंक यू क्लास. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.